तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2019 के लिए मैथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को अभी हम लोग आपका सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम 2019 में पूछे जा चुके हैं, जिसका लास्ट पेपर 9 मार्च को आपका हुआ था। तो उसी के पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी में पूछे गए सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी देखने मिलता है तो इनडायरेक्टली आपको इसी के पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके इसी वीडियो में से बनेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और इससे पहले भी मैं बोलूंगा, अगर जो कोई मेरे चैनल पे नया है तो इससे पहले मैंने आपका 4 वीडियो बनाया तो उसको भी जरूर से देख लेना। एक आपका मेंसुरेशन के ऊपर मैंने बनाया है, एक अलजेब्रा के ऊपर बनाया है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 4 वीडियो को भी जरूर से देख लेना। यहाँ से भी आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन आपके फिक्स है, 10 मार्क्स आपके यहाँ से भी जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और जैसे कि जानते हो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आज मैंने ज्योमेट्री पे आपका ज़्यादा थोड़ा फोकस किया है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन आपके वर्ड फॉर्मेट में लिखे गए थे, ठीक है। तो ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से बना रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कोई आपका एक चतुर्भुज है, उसके अंदर में सर्कल इंस्क्राइब है और आपसे पूछा गया था कि एडी का लंबाई बताओ क्या होगा, यानी एडी का लेंथ आपसे फिर पूछा गया था, बताना था कि क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी अगर पता होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर सर्कल इंस्क्राइब है तो आमने सामने का जो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ए बी और डी सी दे रखा है, कितना हो जाएगा मेरा 6 5 11 5 4 9 10 2 3 4, यानी 40.1 हो गया। यहाँ से आपको बी सी कितना दे रखा है 22.5, अब इसमें से लेस कर दो तो 11 से 5 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7, 3 से 2 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 17.6 मीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी आपका होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ आया होगा। अगर आपको आपने अगर मेरा प्रीवियस पेपर जो आपको मैंने सी एच एस एल का प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया है, अगर आपने इसको देख भी रखा है तो आपको पता होगा इसी पैटर्न पे आपका प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वहाँ पर आपसे पेरीमीटर पूछा गया था, जैसे कि मैं अगर इसी क्वेश्चन में अगर समझाना चाहूँ तो इस ईयर भी पूछा जा सकता है। मान लो कि ये आपका पी टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो टच कर रहा है, ये आपका स्पर्श कर रहा है, वो आपका पी टेंजेंट हो गया और ये आप मान लो क्यू टेंजेंट हो गया, और पी टेंजेंट और क्यू टेंजेंट वो दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यू टेंजेंट पी टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पर तो मेरा क्यू सी का लंबाई पी सी के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसी पैटर्न पे आपसे पूछा गया था कि पेरीमीटर बताओ क्या होगा। क्लियर, तो ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, अब ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और मैं बता रहा हूँ, देखो काफ़ी लोगों को ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डर लगता है, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास समय बहुत कम है क्योंकि अब आपके पास जितने समय आप उसमें पूरा कुछ पढ़ नहीं सकते हो, मगर आपके पास उतने समय तो सफिशियंट है कि जिसमें आप जो भी थ्योरम से आपके ज्योमेट्रिक से क्वेश्चन बने हैं तो वो थ्योरम को कम से कम देख लो, ताकि अगर उस तरीके के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जाए तो आप आसानी से कम कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगा जितना भी है आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी 15 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और सी डी 10 सेंटीमीटर है। यदि ए सी बी डी को सम द्विभाजित करती है तो ए डी का माप ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका ये सी जी एल के एग्जाम में देखने को मिला था, तो ये जरूर आपका सी जी एस एल का भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब ये आपके लक के ऊपर है कि आपके शिफ्ट में पूछा गया जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, कोई एक सर्कल है और उसके अंदर में फिर से आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब की बार देखो यहां पर मैं पहले फिगर बना देता हूं, तो ये आपका, तो क्या है आपका ए बी सी डी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी।
आपको क्या बोला है, ए बी बी सी सी डी का आपको लंबाई दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है कि यदि ए सी बी डी को सम द्विभाजित करती है, यानी आपका बोला है कि आपका ए सी बी डी को सम द्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी हो गया यहाँ पर आपका बी डी हो गया। मगर यहाँ पर ये देखिएगा, बोला ए सी बी डी को सम द्विभाजित करती है, मतलब ये जो होगा, मान लो अगर ये दोनों अगर ओ पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी मेरा इक्वल होगा किसके, ओडी के इक्वल होगा। तो बस अब यहाँ से आप अगर ये चीज़ आप समझ चुके हो, तो यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि ए बी इंटू बी सी, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा। बस अब सॉल्व कर लो, मगर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ए सी आपका बी डी को सम द्विभाजित करता है, यानी इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की अगर बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल से आपको साइड का गुना करना है इस वाले साइड के इक्वल के बराबर, यानी ए बी इक्वल टू बी सी और यहाँ से ए डी इक्वल टू डी सी के बराबर होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब आप पुट कर दीजिए, ए बी और बी सी क्या दे रखा है आपको, तो ए बी और बी सी आपको 15 गुना 12 हो गया, और यहाँ से आपको ए डी, ठीक है, और आपका ए डी आपको निकालना है, इसमें से आपका क्या आपके पास है सी डी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो सी डी मतलब डी सी मैंने यहाँ पर लिख रखा, ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ए डी आपका क्या हो जाएगा, 15 12 180 काट दोगे 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% ऊपर अंकित किया गया, उसके बाद 20% और 25% के दो क्रमागत छूट दिए गए, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बताओ आंसर क्या होगा। यानी कोई आपका सामान का दाम अगर 100 रुपये है सीपी, तो 140 रुपये दाम रख दिया गया है, फिर उसके बाद 20% 25% का सक्सेसिव दिया गया, तो आपका जब लगातार डिस्काउंट अगर 20 और 25 का दिया गया तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो ये सब पता है ना आपको, आसानी से निकाल सकते हो, 20 प्लस 25 45 और माइनस कर दोगे 25 गुना 20 बटा 100, यानी 40%, यानी 40% का डिस्काउंट दिया गया है, तो मार्क प्राइस में दिया गया, तो 40% का डिस्काउंट दिया गया, तो मतलब आपको सामान कितने में दिया गया, 60% में दिया गया, यानी सामान का कीमत क्या हो गया, 14684 हो गया, यानी 100 रुपये का सामान आपको 84 रुपये में दिया गया, तो कितने का लॉस हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है, आंसर हो जाएगा 16%। और सक्सेसिव से क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त पर बिंदु ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एंगल ए पी सी 62 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी का माप क्या होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ ये भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है आपका कि कोई आपका ए बी सी डी चक्र चतुर्भुज है, मतलब फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया आपका सर्कल, और इसके अंदर में आपका मैं बना देता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका इस तरीका से मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है, इसका नाम भी दे दो ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, वृत्त पर बिंदु ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए से आपका टेंजेंट एक पास हो रहा है और एक आपका सी से आपका टेंजेंट पास हो रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, यदि ए पी सी यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 62 डिग्री दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया था, एंगल ए डी बी, ये देखो थोड़ा सा इसको गलत हुआ है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, ए डी बी नहीं, आपसे पूछा गया था एंगल बी पूछा गया था या फिर एंगल डी आपसे पूछा गया था, तो ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, मगर आपसे एंगल बी या फिर एंगल डी पूछा आपसे गया था, तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल लेना, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं एंगल बी की बात करूँ, तो देखो ये आप जानते होंगे एक छोटा सा ये चीज़, अगर मान लो ये थीटा है, ठीक है, अभी हालांकि आपको दे रखा है 62 डिग्री, मैं थीटा को लेकर समझा रहा हूँ, थीटा मान के, अगर ये अगर आपका थीटा है तो एंगल बी मेरा कितना हो जाता है, तो एंगल बी मेरा हो जाता है 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो अगर मेरा थीटा का वैल्यू 62 डिग्री है, तो मेरा कितना हो जाएगा 62 का आधा 31, और 90 में से 31 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 59, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 59। अगर ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए, यानी डी वाला एंगल आपसे पूछा जाए, तो ये मेरा क्या होता है, जस्ट 90 प्लस थीटा बाई 2, यानी आपका 62 का आधा कितना हो जाएगा 31, और 31 को जोड़ दो 90 में तो कितना हो जाएगा 121। तो बस आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आप जैसे कि जानते हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है, तो 121 59। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपसे इस तरीके का किसी भी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला एंगल देके आपसे ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी पूछा जाए
आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है तो अगली पांच सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत से क्वेश्चन है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि कोई पांच नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये मैंने खुद से ये नंबर आपका एज्यूम किया, तो यहाँ से मेरा औसत क्या हो जाएगा, ये छः नंबर औसत हो जाएगा जो कि एम के बराबर है। फिर बोला अगली पांच सम संख्याओं का औसत, और आपको जोड़ के आपसे पूछ रहा औसत क्या होगा। तो अगली पांच संख्या अगर मैं और ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, बताओ। तो नंबर अगली पांच और सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 12, 14, 16, 18, 20। ये मैंने खुद से नंबर एज्यूम किया। तो अब आप समझो कि यहाँ पर अगर मेरा टोटल, अब कितना नंबर हो गया है, टोटल मेरा 10 नंबर हो गया है। 10 नंबर अब आपको हो गए, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा, पहले आप खुद से यहाँ पर बताओ। तो आप जानते हो यहाँ से 4 नंबर हटा दो, अब यहाँ से भी आपका 4 नंबर हटा दो, तो औसत 10 और 12, यानी 10 और 12 के बीच में जो नंबर होगा वही मेरा आपका औसत कहलाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी ये पूरा का औसत क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये 11 जब आपका औसत हुआ, तो हम लोगों का इस हिसाब से क्या मेरा औसत हो रहा था, 6 हो रहा था। 6 मेरा औसत हो रहा था जो कि मेरा एम के बराबर था। तो देखो ना, 6 से आपका 11 हो गया, यानी 6 में कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, 6 में 5 प्लस हो गया ना। तो बस औसत मेरा क्या हो जाएगा, m+5 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल ABC, AB = AC, इफ एंगल A 52 डिग्री, देन फाइंड एंगल B। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल आपका ये बन गया ABC। आइसोसेलस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो साइड आपका इक्वल होता है और उसके आमने सामने वाले एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आपको दे रखा है अगर 52 डिग्री, तो आपसे पूछा है एंगल B। तो 180 का सम होता है, तो 52 डिग्री अगर अगर लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 128। 128 बोले तो ये आपका 64 हो गया और ये आपका 64 हो गया, आंसर हो जाएगा 64 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला, 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज एक 1200 रुपये है, तो उसी तरह से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर क्या होगा। तो अब देखो 5% का हिसाब से 3 साल के लिए तो 1200 रुपये है, तो 5% से अगर मैं 3 साल का अगर पूरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और यही 15% का वैल्यू दे रखा है 1200 के बराबर, तो यहाँ से मेरा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि मेरा प्रिंसिपल कहलाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, 8000 हो गया। अब 8000 हो गया, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल पर आपसे 3 साल के लिए 5% का हिसाब से आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो बताओ आंसर क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। डाटा आपका अलग हो सकता है मगर क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके नहीं बदलेंगे। तो 8000 का अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो सिंपल सा आप कोई भी बता सकता है बिना पेन और कॉपी का, क्योंकि 5% एक ऐसा रेट है और 3 साल के लिए जब पूछा गया तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20। यानी ये 20 प्रिंसिपल में एक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो मेथड से आप जानते हो अगर 3 साल के लिए बात किया जा रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको हटाता हूँ, तो 3 साल के लिए अगर मैं काउंट करूँ तो 20, 21, 20, 21। ये आप मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। यानी ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल मेरा ऑलरेडी 8000 के बराबर है, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो 21 का क्यूब कितना हो गया आपका, 9261। तो ये रह गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल, आपसे पूछा गया था केवल इंटरेस्ट, तो दोनों को लेस कर दो, आंसर हो जाएगा 1261। क्लियर? तो बनाने का भी जरूरत नहीं था, केवल समझा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, तो केवल आपको मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मेट ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कहाँ से आपके बनेंगे। यहाँ पर देखो a³ - b³ के फॉर्म में आपको दे रखा है, a - b, a² + b² - ab। आपसे पूछा गया x² y² z² का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से यानी आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू कंपेयर करके निकालना होगा, और जैसे निकल जाएगा वैल्यू तो पुट करके आंसर बता दो। तो एक यहाँ पर क्या होता है, a² b² तो a² बोले तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 हो गया, यानी x का वैल्यू आपका 9 आ गया। उसी तरीका से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी y का भी वैल्यू निकल गया। अब ये देखो z² है और चूंकि माइनस में है तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है ab,
तो ए बी मतलब 3√2, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि मेरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में क्या होता है, प्लस 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 होता है, यानी मेरा जेड स्क्वायर का वैल्यू भी निकल के आ गया -3√2। आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 85, यानी 85 -3√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आप जैसे कि जानते हो एग्जाम में बनेगा, मतलब बनेगा, दो क्वेश्चन फिक्स है। अब ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में, फिर भी मैंने रखा है ताकि समझ आए आपको। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखा है और आपसे ये वाला फाइंड करने को बोला गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट अगर जल्दी बनाना है तो आप वैल्यू को 30 और 60 पे पुट करके देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये 30 और 60 भी अगर आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर ट्रिपलेट 3 4 5 का फिर देख लेना, 3 4 5 में से या फिर 4 3 5 में से कोई ना कोई आपका सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो आप इससे जल्दी बना सकते हो, वरना बेसिक आप जानते हो, जैसा मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दो सभी का एंगल, आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर देख के देखो, मैं बता भी देता हूँ, 2 sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, यानी 2 × 1/2 6√3। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, यानी आपका +5। अब आप ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी 6 में से 1 जाएगा, यानी -5 + 5 क्या हो गया, 0 के बराबर हुआ कि नहीं, यानी ये आपका सेटिस्फाई कर रहा। अब आप पुट कर दो 30 डिग्री, तो 10 60 कितना होता है, √3 होता है, और cos 60 कितना होता है, तो जो sin 30 होता है, तो sin 30 आपका 1/2 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब जो भी ऑप्शन दे जिस तरीका से पूरा सॉल्व किया गया तो और देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। अब ये भी क्वेश्चन आपका CGL के पेपर में पूछा गया था, तो देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ कि देखो आपका CGL के लास्ट लास्ट दिनों में पेपर का लेवल बहुत आपका मतलब बहुत लो हो गया था, बट शुरू के कुछ दिनों में आपका पेपर का लेवल हाई था, जो मैं आपको करा भी रहा हूँ लगभग, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो टेंशन वाली बात नहीं है, जिनका अगर पहले दिन में पेपर है 17 मार्च को अगर जिनका पेपर है तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपका पेपर में अगर आपका मैथ हार्ड होता है तो बाकी के जो सेक्शन होंगे वो आपका इजी हो जाएंगे, और उसी का वाइस वर्सा, अगर मैथ जिनका पेपर अगर हार्ड हो जाता है तो उनका मतलब जिनका अगर मैथ का पेपर अगर लो हो जाता है लेवल, तो फिर बाकी के सेक्शन आपके फिर आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपका बैलेंस हो जाता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अच्छा मौका मिला, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझो पेपर में किस तरीके से पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में, और आपका SSC के एग्जाम में रिपीट भी करते हैं आपके क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट देखने को मिला CGL में, तो CGSL में भी ऑफकोर्स आपको देखने जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रखा था, ए बी का अनुपात 4 और 7 दे रखा था, बी का वैल्यू दे रखा था, आपसे सिंपल सा पूछा था ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ये हो गया 4 और 7, ये आपको दे रखा कितना, 28। तो ये देखो ना कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है, तो यहाँ से भी 4 गुना कर दो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 6 मशीन को 63,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन आराम से आप 5 सेकंड में बना सकते हो, अगर आप बेसिक से बनाओगे तो भी बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि आप अगर ये जो मैं भी मेथड बताने वाला हूँ अगर आप उसको लगाते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका 5 से 6 सेकंड काफ़ी होगा। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, जो वहाँ पर M1D1 वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, बस उसी फॉर्मूला पे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो 6 मशीन को बेचा गया कितने रुपए में, 63,000 रुपये में बेचा गया है, और 5% के लाभ पर बेचा गया है, यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 105% हुआ होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 100% खुद में कॉस्ट प्राइस और 5% प्रॉफिट, यानी नेट कितना परसेंट हो गया, 105% हो गया। कितने में बेचा गया, 63,000 रुपये में बेचा गया। आपसे बोल रहा है कि 8 मशीनों को अगर 15% के प्रॉफिट में बेचना है माफ कीजिएगा, अगर आपसे बोला गया है कि 8 मशीनों को 15% का प्रॉफिट में बेचना है, यानी आपका नेट परसेंट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 115 हो जाएगा। इसी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो बताओ उसको कैसे होगा। तो ये माफ कीजिएगा, तो ये आपका परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 105 को काट सकते हो कितने बार में, 6 बार में काट दोगे, यानी 600 हो गया, 6 से काट दो 100 बार में, यानी आपका क्या हो जाएगा, 8 5 40 4 11 8 88 और 88 यानी 92, यानी 00 लगा दो, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 92,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, इसको ट्राई करो। ये आपसे क्या पूछा गया था कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी,
ए बी 4 है, ए सी 6 है, बी पी 3 है, देन आपसे फाइंड करने बोला पी सी का, बताओ क्या होगा। तो ये भी आप देख लो, यानी कोई आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी आप थ्योरम छोटा सा समझ लो, ए बी सी आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका ए पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब ये आपका एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये आपका पी हो गया। और आप जानते हो जब आप इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका द्विभाजक आपका है, तो ये वाला एंगल क्या है, आधा आधा हो जाएगा। यानी अगर ये मेरा एंगल ए अगर पूरा 60 डिग्री होता तो ये कितना होता, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आपका डिवाइड कर जाता। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन में हिंट्स दे रखा है। अब क्या बोला है कि ए बी का अगर लंबाई 4 है और ए सी का लंबाई अगर आपका 6 है, तो आपसे क्या पूछा है, पी सी, यानी इस वाले का आपसे लेंथ पूछ रहा है, और साथ में आपको बी पी भी दे रखा है 3। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसका लेंथ की बात करूं, तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि अगर इसका जो भी लेंथ होता है, यानी आपका बीपी और पीसी का जो भी लेंथ होता है, वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के ही अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर ये 4 है और ये 6 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो 2 और 3 के अनुपात में ही होगा। यानी 4 6 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो ये बीपी इसी रेशियो में आपका आपका इसका साइड होगा। तो बीपी आपको ऑलरेडी दे रखा है 3 के बराबर, तो आपसे पीसी का वैल्यू पूछा है। तो देखो ना, ये 2 आपका 3 का कितना आपको दिख रहा है, 1.5 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी 1.5 टाइम आपको दिख रहा है मल्टीपल में। तो बस 3 का भी आप 1.5 गुना कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा, 4.5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4.5। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी आपका पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन का रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट आपका पूछा गया था, तो यहां से आपको मैं बोल रहा हूं कि मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला आप देख लेना, आपका कोन का देख लेना जितना भी होता है, फिर सिलेंडर का भी देख लेना, बेलन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यूबाइड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारा टोटल फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे मेंसुरेशन से भी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपसे टोटल सर्फेस एरिया पूछा गया था हेमस्फीयर का, यानी अर्धगोला का आपसे आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² और ये आपका नीचे वाला एक और πr² ऐड हो जाता है, तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा, 3πr². तो बस आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीजीएल एग्जाम में कि स्पीड ऑफ टू बॉय इज 100 मीटर पर मिनट एंड 120 पर मिनट, इफ फर्स्ट बॉय इज टेक 10 मिनट मोर देन सेकेंड टू कंप्लीट अ रेस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेस। यानी आपसे रेस का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो, अब हम लोग जानते हैं ये हो गया मेरा B1 बॉय और ये हो गया B2 बॉय, आपको स्पीड दे रखा है दोनों लोगों का, एक आपका 100 मीटर पर मिनट चल रहा है और एक आपका 120 मीटर पर मिनट चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा ना स्पीड का रेशियो। और हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि स्पीड आपका टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ये 6 रेशियो समय ले रहा है, तो ये आपका 5 रेशियो समय ले रहा है। अब देखो दोनों के बीच में आपका टाइम का क्या डिफरेंस दिख रहा है, 1 रेशियो का। अब यही 1 आपका किसके बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। 1 रेशियो का मतलब अगर 10 मिनट है, तो 6 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट के बराबर, और 5 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 50 मिनट के बराबर। आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बस अब देखो आपके पास टाइम भी है और स्पीड भी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जिससे भी आप निकालोगे आपका डिस्टेंस आपका सेम आने वाला है। क्लियर, बस याद रखिएगा जिसका स्पीड लोगे उसका भी आप टाइम ले लेना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा के वीडियो में ऑलरेडी आपका करा रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली है, यहां पर आपको ये दे रखा है और ये आपसे पूछा गया है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, 9x² और 1/25x² का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, बोलो कर पाओगे ना, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा फॉर्मेट दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गुना कर दूंगा 3/5 से। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं अगर 3/5 से, यहाँ भी मुझे गुना करना पड़ेगा, इसमें भी आपका 3/5 से गुना करना पड़ेगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो चीजें आपको डायरेक्ट देखने को मिल गई या फिर इनडायरेक्ट, तो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपका 3/5 से गुना करेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहां से कुछ नहीं। यानी अब आप देख सकते हो, अब आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार हो चुका है। तो ये आपका क्या हो गया, 12/5 हो गया। अब आप यहाँ से आसानी निकाल सकते हो। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है, एन स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। हालांकि ध्यान देना, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट अलग अलग है,
अगर आपका एक्स का कुछ भी कोफिशियंट नहीं होता तो माइनस टू होता है, मगर यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा ये पाँच और तीन दोनों है, यानी एन स्क्वायर बोले तो इतना का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव इंटू वन बाई थ्री, सॉरी ये आपका थ्री इंटू वन बाई फाइव होगा, ठीक है, थ्री इंटू वन बाई फाइव होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला है, और ये क्वेश्चन अलग शिफ्टों में पूछा गया था, तो अब आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, मगर याद रखना ये केवल देख लेना कि कौन किसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, यदि ए सी बी डी को समद्विभाजित करती है तब बी सी का माप आपसे पूछ रहा है, तो अगर ए सी अगर बी डी को समद्विभाजित करता है यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी इक्वल टू ए डी इंटू सी डी के बराबर हो जाएगा। अब आपको ए बी कितना दे रखा है, 16.5 दे रखा है, बी सी आपको फाइंड करना है, ए डी कितना, 11 इंटू 19.8, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 1 और 5 15 टाइम कट जाएगा। अब 15 से काट लो डायरेक्ट इसको, तो 15 से काटोगे तो 15 एकम 15 यानी 4 और 8 15 3 45 और 3 बच जाएगा यानी 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया था यदि संख्या 2x+1, x+2, 2 और 5 समानुपातिक है तो 3.5 1 x और 8 1 x का मध्य अनुपातिक क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया था, तो बताओ अगर आप मीन प्रोपोर्शनल निकालना जानते हो तो बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो कोई भी दो नंबर अगर ए और बी है, अगर आपसे बोला जाता है कि इन दोनों का मध्य अनुपातिक निकालो, यानी मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करने बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी कर देते हैं, मेरा निकल जाता है मध्य अनुपातिक। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, मगर यहाँ पर पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इसको बना पाओगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके मदद से निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको चार संख्या दे रखा है, चारों संख्या आपका समानुपातिक में है यानी एक प्रोपोर्शनल में है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये चारों नंबर अगर आपका एक प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x+1 x+2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 5, 2, 10 और 2x यानी 8x हो गया, यहाँ पर 5, 1 और ये 2, 2, 4 यानी ये क्या हो गया, -1 हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, -1/8। अब डायरेक्ट पुट कर दो तो यहाँ पर क्या है, 3.5 है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा एज इट इज़। 1 - x है तो x का वैल्यू क्या, -1/8 है, तो आपका प्लस हो जाएगा यानी 1 + 1/8, तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 से गुना है, फिर आपका क्या 1 + x है, तो ये 1 + x है और x का वैल्यू क्या माइनस में है, तो 1 - 1/8 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा इजिली। अब देखो 8 को 8 से काटना मत, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये रूट के अंदर में है सब कुछ, आपको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालोगे, तो देखो ये आपका 2 × 8 आपको दिख रहा है ना, यानी एक आपका बाहर निकल जाएगा सिंपल, क्लियर। ये 9 आपको दिख रहा होगा, ये 9 भी अगर बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, 3 बन के बाहर निकलेगा। उसी तरीका से ये 3.5 है और ये 8 है, तो 8 से जब आप गुना करोगे, 8 + 3 = 24 और 8 का आधा 4 यानी 24 और 4 28 हो गया, और 28 को गुना करोगे 7 से तो कितना हो जाता है, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, यानी ये 14 हो गया। अब सॉल्व कर लो तो ये आपका 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में यानी 21/4, यानी 21/4 अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, मीन प्रोपोर्शनल या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, कुछ भी पूछा जा सकता है, केवल आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर बोला एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, किराए मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक वह अपने अंकित मूल्य को रखे ताकि लागत मूल्य पर 6.6% का लाभ प्राप्त हो। तो ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, सक्सेसिव से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, एक आपका नॉर्मल से कोई भी आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी सक्सेसिव हो या फिर डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, टोटल आपको 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अभी इस क्वेश्चन की बात करो तो ये भी क्वेश्चन आपका सीजल में पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि क्राय मूल से कितना प्रतिशत अधिक वो अपने अंकित मूल को रखे, यानी आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है कि वो कितना अबव आपका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस रखा होगा, तो नेट आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 18% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है 6.6, तो नेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपका प्रॉफिट हो रहा है 6.6, मार्क प्राइस आपको निकालना है, डिस्काउंट आपको 18% का दे रखा है। तो ये उम्मीद करते हैं फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इससे लगा के आंसर को जल्दी बता सकते हो। तो 18 अगर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24.6 = m।
हालांकि देखो इसको भी आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, यानी 50 m और -nm, यानी ये क्या हो जाएगा 41 m आपका हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 41 से काटोगे 0.6 बार में और ये 0 खत्म करोगे तो पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, यानी 6 × 5 = 30, यानी 30% आपको एबव करना पड़ेगा मार्क कॉस्ट प्राइस से, तो आंसर हो जाएगा 30%। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब ये भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन भी देखने जरूर मिलेगा, ठीक है। बताओ फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान पूछ रहा है, यहाँ पर ए बी सी का आपको प्रोडक्ट दे रखा है 135, तो ये चीज़ अगर आपको देख के समझ आ रहा है तो यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा, यानी फार्मूला आपको फिर पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 27 × 5 = 135 होता है, 27 को भी ब्रेक कर दो यानी 9 × 3 और गुना 5, अब ये आपका बन चुका है 135। अब ये बन तो चुका है मगर ए बी सी का वैल्यू आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि कौन कौन क्या वैल्यू होगा, तो कंडीशन दे रखा है ए बी सी 11 है, तो इसका मतलब अगर मैं 9, 5, 14 करूँ और 14 में से 3 घटा दूँ तो 11 बन जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी ए का वैल्यू 9 हो गया, बी का वैल्यू आपका -3 हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ से भी क्रॉस चेक करके देख लेना, फिर इसके बाद ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछ रहा तो आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए ये भी कर लोगे, और मैंने जो बताया 4 वीडियो को जरूर से देखना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका मेंसुरेशन, वहां से आपको जरूर 10 मार्क्स देखने हम जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री, ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 24 सेंटीमीटर, एम बी सी का मध्य बिंदु है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए एम और ए डी का अनुपात आपसे ज्ञात कर रहा है, मतलब अनुपात आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछे या फिर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लो। मतलब कि कोई बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ए आपका 90 डिग्री है, यानी ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ए आपका 90 डिग्री पर है, यानी ये आपका ए हो गया, ये आप बी मान लो, ये आप सी मान लो। क्लियर। क्वेश्चन में ए बी का लंबाई दे रखा है कितना, 7, ये आपको साथ में आपको ए सी आपको दे रखा है 24, यानी ये आपको 24 दे रखा है, तो यहाँ से कोई भी देख के बता सकता है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। किसका किसका बन रहा है, 24, 7, 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी ये वाला मेरा कितना होगा, 25 के बराबर होगा। क्लियर। क्वेश्चन में बोला है कि एम बी सी का मध्य बिंदु, यानी जो एम है वो मध्य बिंदु है बी सी का, यानी ये बीच वाला है। क्लियर। और ए डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ए डी जो है वो लंबवत है बी सी पर, यानी अब आप इसका लंबवत अगर इस तरीका से अगर आप निकालते हो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया मेरा ए डी जो कि परपेंडिकुलर है बी सी का ऊपर। आपसे पूछा है ए एम और ए डी का अनुपात पूछ रहा है, यानी अगर आप इसको भी अगर इस तरीका से देखोगे, यानी ए एम और ए डी का अनुपात पूछ रहा है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए एम निकालना होगा और फिर ए डी का लेंथ निकालना होगा, तब जाके दोनों का रेशियो आपसे फाइंड करने बोला है। तो क्वेश्चन में हो सकता था केवल आपको ए एम या फिर ए डी निकाल के छोड़ देता, मगर यहाँ पर आपसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो अब क्या करना है, दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर अब ये भी समझ लो, अगर ए एम अगर आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता है एम क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये आप जानते भी होंगे, ये मैं आपको बताया भी हूँ, अगर ए अगर एम अगर मध्य बिंदु है तो ए एम क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, यानी कर्ण का आधा हो जाता है, यानी अगर मैं बात करूँ मेरा कर्ण अगर आपका 25 है तो आधा क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, यानी ए एम तो आसानी से आप निकाल लिए, ए एम क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, मगर ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है आपका बी सी का, तो अब हम लोग ए डी निकालेंगे। ए डी कैसे निकालेंगे, तो अगर आप बेसिक से निकालना चाहो तो पहले क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 1/2 × बेस × हाइट होता है, एरिया निकाल लो, फिर यहाँ पर ए डी को आप हाइट मान लेना और बी सी को आप बेस मान के वहाँ से आप ए डी का वैल्यू निकाल सकते हो, ये है बेसिक। वरना अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला की बात करूँ तो ए डी मेरा क्या हो जाएगा, आमने मतलब ये दोनों साइड का गुना, ठीक है, ये दोनों साइड का गुना, यानी 24 × 7 और हाइपोटेनस से आप भाग दे दो, आपका डायरेक्ट एडी निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25, यानी से 25 से भाग दे दो, तो ये हो गया मेरा एडी का आपका लेंथ हो गया। अब आप देख लो दोनों निकल गया, तो आप इसका रेशियो निकाल लो, तो रेशियो में क्या है ए एम बाई ए डी, तो यानी 25/2, अब ये 25 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 24 × 14, इसको और सॉल्व कर लो, 14 × 56, 5, 28, 3, 33, यानी आंसर हो जाएगा 625/336। क्लियर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा, तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता था, तो यहाँ पर फिलहाल जो पूछा था हम लोगों ने आंसर निकाल रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
यहां पर क्या बोला, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 68 डिग्री, एंगल बी 32 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी के बाहरी कोण द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो एंगल बी ओ सी का ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सभी लोग बना लेंगे आराम से। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपकी बार, कोई आपका एक ट्रायंगल है, मान लो ये आपका इस तरीका से मैंने आपका ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, या थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ क्योंकि ये आपका बाहर में एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इस तरीका से बन गया ट्रायंगल ए बी सी। बी दे रखा है 32 डिग्री, सी दे रखा है कितना 68 डिग्री, तो सबसे पहले ए आप निकाल लोगे आसानी से, 180 का सम होता है, तो ये 68 है और ये 32 है, तो कितना हो गया 100, यानी ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, एंगल बी और एंगल सी के बाहरी कोण का द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी आपका अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड, मतलब आपको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये आपका बोला है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ से आप ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, और आपसे यही वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, यानी अगर ओ पे अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपसे क्या पूछा था, एंगल बी ओ सी का माप बताओ क्या होगा, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर जब अंदर इंटरसेक्ट करता है, जब अगर मान लो क्वेश्चन में अगर अंदर इंटरसेक्ट करता है दोनों एक दूसरे को, ये पर अगर ओ पॉइंट पर अगर अंदर इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा, यही करते हैं ना, एंगल ए का आधा कर देते हैं, सम करते हैं, मगर ये बाहर एक्सटर्नल में आपका इसका बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल में जब बाइसेक्ट करता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं केवल, यानी 90 माइनस एंगल ए का आधा, यानी अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, साथ में आपका माइनस आपका एंगल ए का आधा, तो एंगल ए का आधा कितना हो जाएगा, 80 का आधा 40, यानी 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंटरनल में अगर बाइसेक्ट करता तो क्या होता, 90 प्लस एंगल ए का आधा, तो क्या हो जाता मेरा 130 हो जाता, और जैसे कि हमने बताया हूँ आमने सामने का 180 का सम होता है, तो ये भी आप समझ सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए अंदर या फिर एक्सटर्नली, आप चीज़ों को समझ चुके हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये मेरे ख्याल से 22 नंबर क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम में पेपर में पूछे जा चुके डायरेक्ट डायरेक्ट, तो आप लोग मुझे फिलहाल इसका कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और मैं बता रहा हूँ ये वीडियो को मैं दोबारा से आपका अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड करके, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपका रिकॉर्ड किया था सेम क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा आवाज़ जो साउंड था वो मिसमैच कर गया था, तो इस कारण से मुझे आपका फिर से दोबारा से अपलोड करना पड़ा, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आप समझे होंगे। चलिए तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी समय बचे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पास अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।